400 के होल्डर से 8000 का नुकसान। पूरा टेम मतलब उसका ग्लास टूट गया था, उसका ग्लास सस्ता भी। यो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिन बाद मैं अपना एक वीडियो वापस से शूट कर रहा हूँ, आई मीन मोटो व्लॉग। तो आज मेरे को कुछ छोटे मोटे काम है, जैसे एक तो मेरे को हेयर कट करवाना है, फिर मेरे को जाना है, एक दोस्त का बर्थडे है, तो इतना कुछ सेलिब्रेशन तो नहीं है, बस केक वेक काटेंगे, थोड़ा एंजॉय करके वापस रिटर्न घर। बस ऐसा ही कुछ काम है मेरे को आज। तो बहुत दिन हो गए थे मैं मोटो व्लॉग किया नहीं था, वैसे कहीं जा भी नहीं रहा था मैं बाहर। तो मैं एक ये वाला अभी नया लगवाया हूँ, सोचा था वीडियो बनाऊंगा लेकिन टाइम नहीं मिला मेरे को तब, क्योंकि 7 बजे शट डाउन हो जाता है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था। वैसे चेंज करने का कुछ ऐसे था तो नहीं, बस क्योंकि जो पहले वाला था उसमें उसका चार्जिंग वाला कनेक्टर ख़राब हो गया था, तो उसको लगा कि कुछ फ़ायदा नहीं था, मैं उसका वायर पूरा उखाड़ दिया था। फिर मैं एक छोटा सा बस चार्जिंग वाला यहाँ पे लगवाया था इधर पे, लेकिन वो बस एंड्रॉयड में काम करता है, iOS में नहीं किया था काम, तो उसको मैं निकाल के एक अपने दोस्त को दे दिया हूँ। वो बोला कि किसी को लगवाना है वो वाला, तो वो लगवा देगा और उसका जितना भी पैसा होगा वो मेरे को रिटर्न कर देगा। लेकिन होगा तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। बस गलती से उसको ऑन करते हुए मेरा जो स्विच है वो टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा, मैं हल्का से ही किया था, लेकिन जो पहले वाला था वो बहुत हिलता था, ये वाला इतना नहीं हिल रहा है, मतलब हिलेगा भी तो गिरेगा नहीं। जो पहले वाला था वो बहुत ज़्यादा लूज था, वो गिर जाता था बार बार। मैं तो ऐसे ही एक फ़ोन टूट गया था, 400 के होल्डर से 8000 का नुकसान। पूरा टेम मतलब उसका ग्लास टूट गया था, उसका ग्लास सस्ता भी नहीं आता, सैमसंग का था A8 प्लस, वो पूरा होल हो गया था नीचे गिर के, इसी जगह पे गिरा था। तब मेरे को नहीं चाहिए कि ये वाला फ़ोन भी गिर के टूट जाए, तो बेटर है पहले ही चेंज कर देना। पता नहीं, बोल तो रहे थे कि ये एरिया शट डाउन हो चुका है, पता नहीं क्या यहाँ पे सब बेच तो रहे हैं, लग नहीं रहा कि शट डाउन हुआ है करके, पता नहीं हुआ है भी कि नहीं, 2 दिन से तो मैं निकला ही नहीं हूँ कहीं। पता नहीं जब से टायर लगवाया हूँ मेरा चेन बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, पता नहीं किस लिए साउंड हो रहा है, या तो वो गलत कुछ फिट किया है या फिर कुछ तो हुआ है। तो टायर हाइट होने की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो फिट ही गलत किया होगा। मैं अपना माउंट्स भी चेंज कर दिया हूँ, इधर पे जो मैं पहले लगवाया था मिरर में, तो वो क्या हुआ था ना, मतलब बहुत लूज़ था और ठीक से चिपका भी नहीं था, मैं सोचा कि डायरेक्ट एमसील से ही उसको लगा दूँ, तो एमसील से वो लगवा चुका हूँ पूरा, और एक पीछे भी है, एंगल मैं पहले चेक नहीं किया था, अभी पूरा चेक कर चुका हूँ, एंगल पूरा परफेक्ट है। बस कहीं राइड पे निकलना है, एक तो ये शटडाउन लॉकडाउन ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, कहीं ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते, अगर दूर चले गए अपने मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट से अगर बाहर जाएंगे और फिर आते हुए पता चला कि शटडाउन हो चुका है, या तो फिर जहाँ पे गए हैं उधर जाने के अगले दिन ही शटडाउन हो जाए, तो भाई क्या ही होगा, गलत सीन हो जाएगा।
तो 3 बजे वो मेरे को बोला है कि हेयर कट करवाएगा करके, तो अब वेट करना पड़ेगा 3 बजे तक। वैसे मेरा दोस्त भी बोल रहा था उसको भी हेयर कट करवाना है, तो पहले चलते हैं उसके पास, बैठेंगे उसके घर पे 5-10 मिनट, फिर वापस से आ जाएंगे। फिर मेरे को उधर पे भी जाना है जहाँ से मैं अपना ये वाला होल्डर लिया था, तो इसका लाइट नहीं जल रहा था, तो मैं उनको कॉल कर दिया था तभी, तो बोले कि दुकान पे आ जाओ फिर देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है उसमें। अब आ चुके अपने दोस्त के घर पे, तो अभी मैं तो अपना काम हो चुका है पूरा ख़त्म, हेयर कट डन, बर्थडे पार्टी ख़त्म। भाई क्या ही भीड़ है इधर पे, कोरोना का तो डर ही नहीं है भाई इधर किसी को भी, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ भाई साहब, और उसको तो मार के आज कुत्ता बना दिया भाई साहब, मतलब इतना मार खाया ना वो, आज सो नहीं पाएगा शांति से। अपना ये वाला जो मैं लगवाया था स्विच टूट गया था, तो वापस से ठीक हो चुका है अब वो, शायद से मेरा एक साइड का ईयरफोन अब ख़राब हो चुका है भाई, बहुत महंगा था इसका, तो उसको निकाल के पूरा जो भी था उसका तामझाम वो अब सोल्डिंग करवा चुका हूँ, तो अब स्विच तो नहीं है, जब भी बाइक ऑन होगा तो वो भी ऑन हो जाएगा अपने आप। मैं भी अपना वाइज़र बंद करके चला रहा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं देख रहा, और अगर खोल दूँ तो फिर बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है इधर पे। तो मैं सोच रहा हूँ इसका एक और माइक ऑर्डर करूँगा, क्योंकि ये वाला माइक तो अब हेलमेट में लग चुका है। वैसे निकाल तो सकता हूँ इसको, लेकिन फिर बार बार निकालना और लगाना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर कुछ ख़राब हो गया तो और दिक्कत हो जाएगा। उससे अच्छा 600-700 का ही आता है, एक और ले लूँ, और जब मोटो ब्लॉगिंग नहीं करना हो, मतलब ऐसे नॉर्मल शॉट्स वगैरह कुछ लेने हो, या फिर बाहर कुछ वीडियो बनाना हो, तो ये वाला मैं लगवा उसमें जल्दी से जाके एडिट होगा वीडियो, तो शायद ही मेरे को लगता है कि आज मतलब आज ये वीडियो ना आ पाए, 1-2 दिन बाद ही आ सकता है, क्योंकि एडिट करने में फिर मेरे को थोड़ा टाइम लगता है इसको। कल मैं गया था अपने स्कूटी में फ्यूल अप करने, तो वो लोग बस पूछे थे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो एंड कहाँ से आए हो, लेकिन आज तो भाई बंद ही कर दिए वो लोग पूरा, बस ट्रक्स वगैरह या फिर गुड्स का जो भी रहता है एसेंशियल चीज़ का ही गाड़ी आता है बस, ऐसे कोई पर्सनल नहीं जा सकता अगर कुछ काम हो तो। किसी को भी तेल डालना हो तो उसको फिर 7 किलोमीटर इधर आना पड़ेगा तेल डालने के लिए। अपने को तो वैसे कोई टेंशन नहीं है, अपना एसेंशियल्स का गाड़ी जाता है, तो उसके साथ जाके अपन भरा सकते हैं तेल, या फिर उसमें ही लेके आ जाएंगे तेल एक बैरल में। इसका स्पीड टेस्ट मैं कभी करूँगा, अभी मेरे को टाइम नहीं मिलता है करने के लिए। तो अब पहुंचने वाले हैं घर, तो वीडियो को करेंगे अब क्लोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।